संकटमोचन मंदिर को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद वाराणसी में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की जा रही है। हमसे बात करने के लिए एडीजी जोन साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह का पत्र है और किस तरह की चीजें सामने आई हैं अब तक की जांच में? एक व्यक्ति जो डाक से एक पत्र भेजा था मंदिर के महंत जी के नाम से, उसको महंत जी ने पुलिस से शेयर किया। करते ही हमने पुलिस को आदेश दे दिया, लोकल पुलिस को, सिटी पुलिस को, कि इसमें पहले भी ये जो आईईडी की धमकी दी गई है तो उसको लेकर के एक सीओ लेवल के अधिकारी इसका सभी पहलुओं का जांच करें, साथ साथ जो अपराध की इन्वेस्टिगेशन भी त्वरित गति से करें, और इसके साथ एक सिक्योरिटी व्यवस्था मंदिर का जो पहले भी सुदृढ़ है, एक चौकी भी वहां पर है, और इसके पुनः आंकलन करके और सुदृढ़ करने की आवश्यकता समझे वो भी करें। सर, जैसा कि लेटर में दो लोगों का नाम और एक मोबाइल नंबर भी है, क्या चीजें अब तक सामने आई हैं, क्या कुछ ट्रेस हो पाया है? देखिए, एक जो नाम नंबर और जगह का जो बता रहे हैं, उन जगहों पर टीम भेज करके इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जिसने लेटर लिखा, उन्होंने खुद दो नाम प्रकाश में लाया है। ये लिखने वाले ने क्यों इस प्रकार का नाम प्रकाश में लाया है, क्यों एक नंबर दिया है, ये सब विवेचना का प्रश्न है और बहुत जल्द इसका पर्दाफाश हो जाएगा। 6 दिसंबर की स्तरों में होता है, एक तो फिजिकल डिप्लॉयमेंट है, दूसरा एंटी सबोटेज चेक और बम डिस्पोजल का चेक। इस प्रकार का जो प्रक्रिया हर बार अपनाया जाता है और टाइम टू टाइम करते हैं, और जब भी कोई समय ऐसा होता है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से और सतर्कता बरतनी हो, इसके लिए एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी लगाए जाते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से इसका आंकलन करना हमारा अहम कर्तव्य है, उसका पालन करेंगे। जिस तरह से एडीजी साहब का कहना है कि ये मामला फिलहाल इतना गंभीर लग नहीं रहा जितना होना चाहिए, मामले की जांच जारी है और जांच के बाद जो चीजें होंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी। गोपाल